टी20 वर्ल्ड कप में आज से शुरू होंगे सुपर 8 मुकाबले। पहले मैच में अमेरिका का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। बारबाडोस की पिच पर खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की आक्रामक बल्लेबाजी का मुकाबला स्पिन आक्रमण से करेगी टीम इंडिया। स्पिनरों की मददगार पिच पर उपयोगी हो सकते हैं कुलदीप यादव। भारत ने लीग मुकाबले में कुलदीप को नहीं उतारा था। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मिला था मौका। सुपर 8 मुकाबलों को लेकर बोले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग, यदि वेस्ट इंडीज की पिचें टर्न लेती हैं तो कुलदीप विकेट निकाल सकते हैं। रोहित शर्मा को सुपर 8 में टीम इंडिया का विशेष प्रदर्शन की उम्मीद, कहा बड़ी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री करना लक्ष्य। सुपर 8 के मुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव का गेम प्लान तैयार, कहा सिचुएशन के हिसाब से गेम चेंज करता हूं। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर वेस्ले हॉल बारबाडोस में विराट से मिले, कोहली को अपनी किताब गिफ्ट की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर की हो सकती है वापसी, जुलाई अगस्त में खेली जाएगी सीरीज। भारत और साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम के बीच दूसरा वनडे आज बेंगलुरु में होगा मुकाबला, 1:30 बजे शुरू होगा मैच। स्मृति मंदाना को वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में हुआ फायदा, 2 पायदान के उछाल के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने हाथापाई के वीडियो के बाद तोड़ी चुप्पी, कहा परिवार की बात आने पर दूंगा माकूल जवाब। पावो नूर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो किया। भारतीय फुटबॉल की टीम के पूर्व कोच गोर स्टिमिक ने AIFF को चेताया, इस दिन में भुगतान करो, 10 दिन में भुगतान करो या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। भारत के नंबर 1 गोल्फर शुभंकर शर्मा ने पेरिस ओलंपिक के लिए हुआ क्वालिफाई, कहा मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान लगी चोट, यूरो कप के बाकी मैच से हुए बाहर। पुर्तगाल के मैच से पहले रोनाल्डो ने भरी हुंकार, कहा हम सपनों की हकीकत में बदलते हैं। अर्जुन एरिगासी ने स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल खिताब जीता, लाइव रेटिंग में 4th स्थान फिर हासिल किया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए शॉटगन टीम की घोषणा की, सीनियर ट्रंप निशानेबाज पृथ्वीराज तोंडाईमन भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम म्यांमार में 2 दोस्ताना मैच खेलेगी, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किया ऐलान।